काफी टाइम से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यार ग्रे निंजा के ऊपर एक गाइड वीडियो बनाओ। तो देखो यार, मैं इसके ऊपर गाइड वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यार अगर मैंने गाइड वीडियो बनाई तो तुम लोग मेरा बाकी अटैकर चलाना मुश्किल कर दोगे। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन दिल पे पत्थर रख के जैसे तैसे मैंने सोचा यार चलो गाइड वीडियो बना ही लेते हैं। आप लोग जब इतना सपोर्ट कर रहे हो तो क्या मैं गाइड वीडियो नहीं बना सकता? तो इसीलिए मैं लेके आ चुका हूँ ग्रे निंजा की अल्टीमेट गाइड, जिसको देखने के बाद आप ग्रे निंजा के भगवान बनने वाले हो। अच्छा, तो आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम ग्रे निंजा के मूव्स को डिटेल में जानेंगे, कब आपको कौन सा मूव सेट लेंगे ये भी जानेंगे, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपको कौन सा मूव कैसे यूज करना है। तो चलो और डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे निंजा की पैसिव एबिलिटी की। तो इसकी पैसिव एबिलिटी का नाम है टॉरेंट। तो टॉरेंट क्या काम करता है कि ग्रे निंजा की जब भी 50% या फिर उससे कम एचपी हो जाती है तो इसके जो डैमेज है वो 5% से इंक्रीज हो जाते हैं, और इसकी मूवमेंट स्पीड है वो 12% से इंक्रीज हो जाती है। तो जो आपको दिख रहा है नीचे सर्फ टाइप का जो दिख रहा है ये ऑप्शन, यही इसकी पैसिव एबिलिटी है। तो इसका वैसे कोई कूलडाउन नहीं है, यानी कि अगर आपकी 50% से ज्यादा एचपी हो गई तो ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी, और अगर आपकी 50% से कम एचपी हो गई तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक अटैक के बारे में। तो इसके बेसिक अटैक भी दो तरीके से काम करते हैं, रेंज में आप यूज करोगे तो बिल्कुल अलग काम करते हैं, और अगर आप किसी एनिमी के पास में चले जाते हो तो बिल्कुल अलग ही काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज की। तो जब भी आप रेंज से इसके बेसिक अटैक यूज करते हो तो इसके जो मूव है प्राइमरी मूव, यानी कि सर्फ, सुरिकेन, जो स्टार्टिंग में आता है बबल, तो ये तीनों के कूलडाउन कम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सर्फ यूज किया, उसके बाद मैं बेसिक अटैक मारता हूँ तो हमारे जो कूलडाउन है आधा सेकंड से कम हो रहे हैं पर बेसिक अटैक में, यानी कि एक एक बेसिक अटैक में आधा आधा सेकंड का कूलडाउन कम हो रहा है। तो बात करते हैं मिली की। तो जब भी आप मिली में यूज करोगे तो इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पर कूलडाउन में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि कूलडाउन बिल्कुल नॉर्मल ही कम हो रहे हैं। तब कुछ लोग बोलेंगे यार इससे अच्छा तो हम रेंज में यूज कर लेते हैं कि इसका कूलडाउन तो कम हो रहा है। तो देख यार, पास में इसका अलग ही फायदा है। तो पास में क्या फायदा है कि जब भी आप एनिमी पे पास में चले जाओगे तो उसकी जितनी कम एचपी होगी उसका उतना ज्यादा उस पर डैमेज आएगा, यानी कि एनिमी की जो मिसिंग एचपी होती है उसका 10% एडिशनल डैमेज देता है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो ये बोनस डैमेज देता है एनिमीज को। और जब भी आप पास में बूस्टर अटैक मारोगे तो एनिमी की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ही चला जाएगा, यानी कि जब भी आप एनिमी के पास में होते हैं छोटी सी इसकी रेंज दिख रही है, तो जब भी आप बूस्टर अटैक मारोगे इस रेंज से तो एनिमी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप मार रहे होगे उसके बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, और एनिमी की जितनी कम एचपी होगी ये उतना ही ज्यादा डैमेज देता है। इन दोनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है। सपोज एनिमी की बहुत ज्यादा एचपी, यानी कि उसकी फुल एचपी, तो आप दूर जाके उस पर बेसिक अटैक मारो, उसकी एचपी कम करो और अपने मूव को वापस ले आओ। तो जैसे उसकी कम एचपी हो जाती है उसके पास चले जाओ और उसके बाद उसके इस पास में जाके बेसिक अटैक मारो, जिससे कि उस पर बोनस डैमेज भी आएगा। तो बात करते हैं इसके पहले मूव सेट के बारे में, यानी कि वाटर सुरिकेन और डबल टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरिकेन के बारे में। तो सुरिकेन एनिमी पे 4 सुरिकेन फेंक के मारता है और उनको डैमेज देने के साथ साथ कुछ एचपी रिकवर भी कर लेता है, और एनिमी के मूवमेंट स्पीड को 25% कम कर देता है 1 सेकंड के लिए, और सुरिकेन यूज करते हुए ग्रीन निंजा की जो मूवमेंट स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है 15% से 3 सेकंड के लिए। और इसकी एक जो ड्रॉबैक लगता है मुझे कि आप बेसिक अटैक यूज नहीं कर सकते। जब भी आप सुरिकेन यूज करोगे तो आप तब बेसिक अटैक यूज नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बेसिक अटैक लॉक लग जाता है। और लेवल 11 की बात करें तो लेवल 11 पे सुरिकेन प्लस हो जाता है, और पहले जहां हमारे 4 सुरिकेन चल रहे होते हैं वो प्लस होने के बाद हमारे 5 सुरिकेन चलने लग जाते हैं, यानी कि हमारे जो सुरिकेन वो इंक्रीज हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है सुरिकेन अगर हमारे इंक्रीज हो गए तो हमारा डैमेज भी बढ़ेगा और जो एचपी रिकवरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बात करते हैं डबल टीम की। तो डबल टीम जब भी आप यूज करोगे तो ग्रे निंजा आगे किसी भी डायरेक्शन में आप डैश कर सकते हो, और जहां डैश करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 इसके क्लोन है वो आ जाएंगे, और जो भी आपने मूव सेट लिया होगा यानी कि सर्फ लिया होगा या सुरिकेन लिया होगा ये वही यूज करने लग जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सुरिकेन यूज कर रहा हूँ तो ये 2 क्लोन भी सुरिकेन यूज कर रहे हैं। तो काफी बढ़िया है एनिमी को गुमराह करने के लिए, यानी कि उसके अटैक से आप बच सकते हो, खुद आप अलग डायरेक्शन, जैसे कि आपकी लो एचपी होगी तो आप दूसरी डायरेक्शन में भाग सकते हो और एनिमीज को ये पकड़ा सकते हो। खास करके चारिजार्ड और सरीने जैसे पोकेमोन के यूनिट कैंसिल कराने के लिए बहुत बढ़िया काम आता है ये। वैसे तो इन क्लोन की जो एचपी है वो ग्रे निंजा के बराबर ही होती है, लेकिन जो इन पे डैमेज आता है वो 500% ज्यादा आता है, यानी कि इन पे डैमेज बहुत ज्यादा आता है। और एक क्लोन टोटल 3 सेकंड तक घूमते रहते हैं और 3 सेकंड बाद अपने आप गायब हो जाते हैं, और ये बिल्कुल मूवमेंट भी ऐसे करते हैं जैसे ग्रे निंजा ही मूव कर रहा हो, तो एनिमी को काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि असली और नकली में कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो बात करते हैं लेवल 13 की। तो लेवल 13 होने के बाद जो इसका कूलडाउन है वो 1 सेकंड कम हो जाता है। वैसे तो इसका कूलडाउन है 9 सेकंड, और जब आपका 13 हो जाता है 13 लेवल होने के बाद इसका कूलडाउन जो है वो 8 सेकंड हो जाता है। तो बात करते हैं आपको डबल टीम और सुरिकेन यूज कैसे करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने डबल टीम और सुरिकेन कब यूज करना चाहिए। तो देखो एनिमी टीम में जब 3 या 3
से ज्यादा बल्कि पोकेमोन हो, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा डिफेंडर या फिर सपोर्टर हो जो कि काफी हाई एचपी वाले होते हैं, जैसे कि लापरास हो गया, उम्ब्रियन हो गया, स्लोबर हो गया। तो जब ऐसे ऐसे पोकेमोन सामने रहेंगे तो आपको सूर्यकेन तब यूज करने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा एचपी होती है और आप दूर दूर से उनको मार सकते हो। तो बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो सूर्यकेन यूज करना बिल्कुल सिंपल है, आपको एनिमी को अपने पीछे चेज करवाना है और चेज करवाते हैं उसको अपने जैसे पीछे आएगा बस सूर्यकेन मार देना है, जिससे कि उस पर ज्यादा से ज्यादा सूर्यकेन कनेक्ट हो सके। जैसे कि स्नोलैक्स मेरे पीछे आ रहा है तो ऐसे एनिमी चेज करता है तो आपको सूर्यकेन उस पर मार देना है, जिससे कि आपकी एचपी भी रिकवर होती रहे। तो डबल टीम मारना है, सूर्यकेन मारना है, जिससे कि आपके जो डबल टीम है यानी कि जो दो आपके जो क्लोन है वो भी एनिमी को डैमेज देते हैं अच्छा खासा, तो उनसे भी एनिमी को डैमेज आ सके। तो पास में आ जाए, डबल टीम मारो, आपके पीछे चेज करे, उसके बाद एनिमी पे वाटर सूर्यकेन मार दो। तो बस इतना ही सिंपल है इसको यूज करना, एनिमी को अपने पीछे भगाना है और उसको सूर्यकेन मारते रहना है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी एचपी भी रिकवर होती रहेगी और उस पर भी काफी ज्यादा डैमेज आएगा। और सूर्यकेन का डैमेज वैसे लगता नहीं है पर बहुत ज्यादा सूर्यकेन का डैमेज आता है। एक पोकेमोन पे अगर आप 5 सूर्यकेन मार दो, अगर वो अटैकर हुआ तो वो बिल्कुल एक सूर्यकेन में ही खत्म हो जाएगा। और आपको बेसिक अटैक मारते रहना है, क्योंकि ग्रेनिंजा एक डीपीएस है और डीपीएस का इसका बेसिक अटैक का डैमेज बहुत ज्यादा है। तो आपको बेसिक अटैक मारते रहना है। जो ये रेंज दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो आपको रेंज है उसके मैक्सिमम रेंज से आपको डैमेज देना है। हाँ, अगर एनिमी की कम एचपी होगी तो आप बिल्कुल पास में जा सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि ये बोनस डैमेज देता है तो आप पास में जाके एनिमीज को मार सकते हो। लेकिन अगर एनिमी हाफ एचपी से ज्यादा है तो आपको बिल्कुल दूर रह के ये जो रेंज दिख रही है इसके रेंज से बाहर से ही डैमेज देना है। और एनिमी अगर आपको चेज करे, अगर बिल्कुल पास में आ जाए तो डबल टीम मार के पीछे आ जाओ, और चेज कर रहा हो तो बस सूर्यकेन मार के उसके पीछे पीछे अपने पीछे पीछे लाते रहो। तो काफी बढ़िया है ये वाला, खास करके जो बड़े बड़े पोकेमोन सामने आते हैं उनके अगेंस्ट में काफी बढ़िया है। मैंने बहुत बार यूज करके देखा है, इसको यूज करना काफी अच्छा है और इजी भी है। तो बात करते हैं इसके दूसरे मूवसेट के बारे में, यानी कि सर्फ और स्मोक स्क्रीन के बारे में, जो कि मेरा पर्सनली काफी फेवरेट है। तो जब भी आप सर्फ यूज करते हो तो एनिमी को डैमेज देता है और कुछ एचपी रिकवर कर लेता है, और अगर एनिमी की 50% से कम एचपी है तो उस पर बोनस डैमेज भी देता है। और अगर एनिमी को केओ कर दिया, यानी कि एनिमी को अगर सर्फ के यूज करते हुए मार दिया, तो ये सर्फ जो है रिसेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा सर्फ का जो कूल डाउन है वो लगा हुआ है, लेकिन अब यहीं पे अगर मैं केओ करता हूँ, यानी कि ये वाइल्ड पोकेमोन पे भी लागू होता है, या फिर आप एनिमी को मारो या फिर वाइल्ड पोकेमोन को मारो, तो दोनों पे लागू होता है। जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो सर्फ है वो दोबारा रिसेट हो गया। तो इसीलिए जब भी आप एनिमी को लो एचपी करो उसके बाद सर्फ मारोगे तो आपका जो सर्फ है रिसेट हो जाता है। तो बहुत से लोगों की यही दिक्कत होती है कि भाई वो बोलते हैं कि मेरा सर्फ रिसेट नहीं होता है, तो आपको जो है सर्फ से केओ करना पड़ता है तभी आपका जो सर्फ है वो रिसेट होता है। तो बहुत से लोगों की जो प्रॉब्लम है आज से सॉल्व हो जाएगी कि हमारा सर्फ रिसेट क्यों नहीं होता है। तो जैसे कि इसकी आधी एचपी है, मैं अभी सर्फ मारूंगा तो मेरा रिसेट नहीं होगा, लेकिन अभी इसकी कम एचपी होगी। अब अगर मैं सर्फ मार के इसको खत्म कर देता हूँ, जो मेरा सर्फ है वो रिसेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सर्फ यूज करा, ये मर गया और मेरा सर्फ जो है दोबारा आ गया। तो 11 लेवल होने के बाद जो ग्रेनिंजा की सर्फ से हीलिंग हो रही थी वो हीलिंग थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी काफी एचपी कम है, तो मैं अभी इस पे सर्फ यूज करूंगा तो मेरी काफी अच्छी खासी हीलिंग हो जाएगी। तो इससे आप काफी अच्छा खासा हील कर सकते हो एनिमी से, और काफी बढ़िया रहता है एचपी रिकवर करने के लिए और एनिमी को डैमेज देने के लिए। और इसको यूज कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसके दूसरे जो मूवसेट है मूव है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, स्मोक स्क्रीन के बारे में। तो बात करते हैं स्मोक स्क्रीन की। तो स्मोक स्क्रीन जब भी ग्रेनिंजा यूज करता है तो इनविजिबल हो जाता है, एनिमीज को दिखता नहीं है, और जो एक छोटा सा गोला टाइप का छोड़ रहा है, अगर इस एरिया को कोई एनिमी एंटर करता है तो उसका विजन जो है वो 60% ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा कि ग्रेनिंजा जब भी स्मोक स्क्रीन यूज करता है उसके ऊपर जब भी आप चलोगे तो आपका जो विजन है यानी कि जो आपको एरिया दिखता है मैप में, आप बहुत कम देख पाओगे, बहुत कम एरिया आपको दिखेगा। तो यही इसका काम होता है कि एनिमी को अंधा कर देता है, और इसके जो मूवमेंट स्पीड है 10% से इंक्रीज हो जाती है 3 सेकंड के लिए। तो ये भागने में भी काफी बढ़िया रहता है। सपोज आपकी कम एचपी होगी तो आप स्मोक स्क्रीन लगा के वहां से भाग सकते हो, या फिर झाड़ी में जाके बैक टू बेस कर सकते हो। और लेवल 13 होने के बाद स्मोक स्क्रीन प्लस हो जाती है, और इसको यूज करने के बाद जो ग्रेनिंजा के बेसिक अटैक है वो 20% से बफ हो जाते हैं, यानी कि 20% ज्यादा डैमेज आता है एनिमीज को 2 सेकंड के लिए। तो काफी बढ़िया हो जाता है, यानी कि 13 लेवल होने के बाद ग्रेनिंजा का बहुत तगड़ा डैमेज आने लग जाता है। और जैसे कि आपको पता है ग्रेनिंजा का वैसे ही डैमेज बहुत ज्यादा आता है, और स्मोक स्क्रीन यूज करने के बाद जो इसका 20% डैमेज एक्स्ट्रा आता है वो काफी ज्यादा इसकी हेल्प कर देता है अटैकर्स को मेल्ट करने में। तो बात करते हैं आपको सर्फ और स्मोक स्क्रीन को यूज कैसे करना है। तो देखो यार, इसके लिए भी मेरे पास दो अलग अलग आइडियाज हैं। सपोज सामने टीम में कोई अटैकर को आपको टारगेट करना है, तो अटैकर को टारगेट करने के लिए आपको पहले स्मोक स्क्रीन मार देना है, उसके पास में चले जाना है, फिर पास में जाके उस पर बेसिक अटैक मार देना है बिल्कुल पास में जाके, और जैसे उसकी लो एचपी हो जाए बस सर्फ मार के उसको खत्म कर देना है। क्योंकि सामने वाले जो अटैकर्स होते हैं उनकी एचपी बहुत कम होती है, आपको 2-3 बेसिक अटैक मार के सर्फ मार के मार दोगे तो वो इजीली खत्म हो जाएंगे। बस उनका लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपने 3-4 लेवल का डिप खा रखा है तब नहीं
मरेंगे, तो इसीलिए ग्रेनिंजा से आपको लेवल मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको लेवल मेंटेन रखना है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज की जब भी आप अटैकर को मारने जाओ तो स्मोक झाड़ी में या फिर कहीं भी जाके स्मोक स्क्रीन मार दो, जैसे कोई अटैकर है तो आपको बिल्कुल पास में जाना है, जब उनकी कम एचपी हो जाए तो स्मोक स्क्रीन मार के उनको खत्म कर देना है। तो ये तो हो गए अटैकर की बात की, अटैकर के आपको बिल्कुल पास में जाके उनको मारना है। तो बात करते हैं हाई एचपी वाले पोकेमॉन, जैसे कि ऑलराउंडर डिफेंडर सपोर्टर वगैरह हो गए, तो उनको कैसे मारना है। तो उनके लिए आपको सपोर्टर को तो आप बिल्कुल पास में जाके मार सकते हो, लेकिन डिफेंडर और आपको पता है कि ऑलराउंडर का बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो उसके लिए आपको बस रेंज से मारना है। जो ये रेंज दिख रही है इसकी मैक्सिमम रेंज, इससे आपको मारना है और एनिमी को लो एचपी कर देना है। सपोज ये कोई पोकेमॉन है वाइल्ड ऑलराउंडर है, तो इसको आपको इस रेंज से मारना है, तो उसको कम करना है एचपी का, और जैसे उसकी कम एचपी हो गए सर्फ मार के उसको खत्म कर देना है। और सपोज आपके ज्यादा ही पास आ जाए और आपके पास स्मोक स्क्रीन नहीं है, सपोज आपका स्मोक स्क्रीन यूज हो रखा है और ये एनिमी पोकेमोन है आपके बिल्कुल पास आ गया, तो आप सर्फ मार के बिल्कुल दूर चले जाओ। और जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक अटैक मारने से जो इसके कूलडाउन है सर्फ वगैरह के कूलडाउन कम हो जाते हैं, तो आपका सर्फ दोबारा आ जाएगा, बस आपको बेसिक अटैक मारते रहना है। तो इसीलिए जब ऑलराउंडर की अगर आधी से ज़्यादा एचपी और आपके पास में आ जाए तो आपको सर्फ मार के दूसरी साइड चले जाना है, फिर उस पर बेसिक अटैक मारते रहना है, जिससे कि आपका जो सर्फ है वो कूलडाउन उसका कम कूलडाउन खत्म हो जाए और दोबारा आ जाए। तो दोबारा आप उस पर सर्फ यूज़ करोगे बेसिक अटैक मारने के बाद, तो जाहिर सी बात है वो मर जाएगा। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल ईजी है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कितने एचपी में आप एनिमीज़ को मार सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितने एचपी में आप मार सकते हो, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, एनिमी को देखना पड़ेगा आपको कितने एचपी में आपका सर्फ जो है वो रिसेट हो रहा है। और सर्फ एक चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पहले ही सर्फ मार देते हो तो आपका जो ये है कूलडाउन वो खत्म नहीं होगा, वो कूलडाउन तभी खत्म होगा जब आप किसी का केओ लेते हो, चाहे वो वाइल्ड पोकेमोन हो या फिर चाहे एनिमी पोकेमोन हो, दोनों में से किसी एक का केओ होना जरूरी है, तभी आपका जो सर्फ है वो रिसेट होगा। तो बात करते हैं इसके साथ आपको स्मोक स्क्रीन यूज कैसे करना है। तो देखो जैसे कि मैंने पहले बताया स्मोक स्क्रीन से आप अटैकर को डायरेक्ट जाके टारगेट कर सकते हो, तो ये तो इसका पहला यूज हो गया। दूसरा हो गया कि आपने अल्ट मार के पूरी टीम पे अल्ट मारा, वहां बीच में आपने स्मोक स्क्रीन मार देना है, उसके बाद आपको बेसिक अटैक मार के सब पे डैमेज देना है और एक एक सर्फ में वो खत्म हो जाएंगे। अगर अटैकर्स हुए तो आप अल्ट मारने के बाद ही उन पे एक एक सर्फ मारोगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके यूनाइट मूव का काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है, और डैमेज अगर आप अटैकर पे यूनाइट मूव मारते हो तो उनके अटैकर वैसे भी एक एक एचपी हो गए, तो अगर एक एक एचपी के तो आप सर्फ मार के उनको एक एक करके खत्म कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है ग्रेनिंजा, मैं पर्सनली इसको सोलो में बहुत यूज़ करता हूं और मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मज़ा आता है मुझे ग्रेनिंजा से खेलने में, इसीलिए ग्रेनिंजा मेरा सबसे फेवरेट पोकेमोन है। तो ये वाली मेरी सबसे फेवरेट टिप है। जैसे कि यहाँ पर बीस का टाइमिंग होता है, तो लोग क्या करते हैं ऐसे ही बीस को मारने लग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं एनिमी टीम को एनिमी पोकेमोन को बेट करता हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है कि आपको बस इनको थोड़ा लो एचपी करना है और सामने की टीम में जैसे कोई बीच में है बस आपको सर्फ मार देना है, सर्फ मार के दो तीन बार आपको ये सर्फ चला सकते हो वहाँ पर, और एनिमी के जो आप कोई भी एनिमी पोकेमोन होगा उसको आप लो एचपी करके उसको मार सकते हो, क्योंकि आपने दो तीन सर्फ अगर उस पर यूज कर लिए तो वैसे उसकी लो एचपी हो जाएगी, और लो एचपी हो जाएगी तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो सर्फ को यूज करना बिल्कुल ईजी है, लेकिन ईजी तभी होगा जब आप इसकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लेवल मेंटेन रखना है ग्रेनिंजा से या फिर सेंटरेस, जैसे कि मैंने बताया था ये डीपीएस से जब भी आप खेलोगे आपको लेवल अपना एनिमीज के बराबर या फिर उससे ज्यादा रखना है, एनिमी से कम लेवल रखोगे तो आपका उतना ज्यादा डैमेज नहीं आएगा। तो यही सबसे बेस्ट टिप है कि अपना जो लेवल है वो मेंटेन करके रखो और एनिमी को लो एचपी करो, सर्फ मारो, सर्फ रिसेट करो, बस यही बेसिक चीज है, बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एनिमीज का जैसे कि मैंने बताया था कि सर्फ का जो कूलडाउन है वो रेंज में मार के कम होता है, तो सपोज आपका कूलडाउन कम और कूलडाउन पे है तो आप दूर से मार के अपना कूलडाउन जो वो कम कर सकते हो, और जब तक आपने बेसिक अटैक मारा एनिमी वैसे भी लो एचपी हो जाएगा, और लो एचपी होने के बाद आप सर्फ मार के उसका केओ ले सकते हो। तो बात करते हैं ग्रेनिंजा के यूनाइट मूव के, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यूनाइट मूव में जो इसको बफ मिलते हैं। तो सबसे पहला बफ मिलता है इसको 30% मूवमेंट स्पीड का, दूसरा बफ मिलता है इसका जो अटैक स्पीड है वो 35% प्लस हो जाती है, और मैक्सिमम एचपी के इसको 20% शील्ड मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके यूनाइट मूव का, तो इसके यूनाइट मूव दो बार डैमेज देता है, एक बार जब आप इसको यूज कर रहे हो और दूसरी बार जब ये वहां से दोबारा जंप करके आता है, यानी कि डबल टाइम इसका डैमेज आता है। एक बार जैसे कि यहाँ पर आपने जंप करा और दूसरी बार ये जंप करके जब वापस आया, दो बार इसका डैमेज आता है, और इसका डैमेज काफी ज्यादा आता है, मतलब 2,500 तक का इसका डैमेज आ जाता है। अटैकर के अगर थोड़ा बहुत एचपी कम हुई तो ये यूनाइट मूव में ही खत्म हो जाते हैं, खास करके टीम फाइट में बहुत बढ़िया इसका यूज होता है। टीम फाइट हो रही है तो आप पूरी टीम के बीच में ये यूनाइट मूव मार के उनको एक एक सर्फ में उनको खत्म कर सकते हो। और एक और खास चीज की यूनाइट मूव मारने के बाद जिधर भी आपका जॉयस्टिक होगा उधर ही जंप करेगा, सपोज मेरा इस साइड को जॉयस्टिक है तो इधर ही जंप करेगा, और अगर मैंने जॉयस्टिक उस साइड को रख लिया तो ये उस साइड को जंप करेगा। तो
ये चीज भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो बात करते हैं बैटल आइटम के बारे में। तो देखो यार, मैं इसके दोनों मूव सेट के लिए अलग अलग बैटल आइटम यूज करता हूँ। तो सर्प के लिए मैं यूज करता हूँ एक्स अटैक, और अगर मैं सुरिकेन खेलता हूँ तो सुरिकेन के साथ मुझे इजेक्ट बटन काफी बेटर लगता है, क्योंकि सुरिकेन में आपको थोड़ा मूवमेंट कम मिलती है, तो इसीलिए आप इजेक्ट के साथ थोड़ा अपने मूवमेंट को बढ़ा सकते हो, या फिर उसके साथ अगर आप एक्सपीड लेना चाहो तो एक्सपीड भी यूज कर सकते हो। तो बात करें बिल्ड की, तो बिल्ड में जो इस पे यूज करता हूँ वो है मसल बैंड, स्कोप लेंस एंड अटैक वर्ड, और ये दोनों मूव सेट के लिए काफी बढ़िया बिल्ड है। ये वाला बिल्ड में पर्सनली मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा यूज करता हूँ। और अगर आपको स्टैकिंग में दिक्कत होती है, यानी कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनको स्टैकिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी एक अलग बिल्ड है। तो अटैक वर्ड को हटाकर उसकी जगह फ्लोट स्टोन लगा सकते हैं, या फिर जो नया हमारा हेल्ड आइटम आया कर्स बैंगल उसको भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी बढ़िया है अगर आप स्टैकिंग नहीं करते। तो ये दोनों हेल्ड आइटम काफी अच्छे हैं उसके लिए। तो बात करें एम्बलम की, तो ग्रेनिंजा पे जो मैं एम्बलम यूज करता हूँ वो ये वाला है एचपी और अटैक वाला एम्बलम। इसमें 6 व्हाइट और 6 ब्राउन कलर का कॉम्बो मिलता है हमको, और काफी बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा अगर आप यूज करना चाहो तो आप अटैक और डीपीएस वाला, ये वाला जो हमारा 7 मैक्सिमम बेसिक अटैक वाला जो एम्बलम है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली ग्रेनिंजा का गाइड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक और चीज जो आपको बतानी थी कि आप क्रॉस कॉम्बो भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप डबल टीम के साथ सुरिकेन ही नहीं उसके अलावा आप सर्फ भी यूज कर सकते हो। काफी बढ़िया कॉम्बो है, और आजकल जैसे कि म्यूटू काफी परेशान करता है, म्यूटू एक्स वाई दोनों में से जो भी बहुत परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप डबल टीम ले सकते हो। डबल टीम काफी अच्छा काउंटर है दोनों का, तो आप डबल टीम के साथ सर्फ या फिर सुरिकेन दोनों जो आप अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप अगर सामने स्क्विशी पोकेमोन हो तो आप सिर्फ सर्फ ही यूज करो, या फिर अगर सामने बड़े बड़े पोकेमोन हो तो सिर्फ आप सुरिकेन ही यूज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों मूव सेट यूज कर सकते हो, दोनों काफी बढ़िया है। सामने चाहे कुछ भी हो, छोटा पोकेमोन हो बड़ा पोकेमोन हो, मैटर नहीं करता है, आप कैसा खेलते हो वो मैटर करता है। और सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको लेवल डिफरेंस मेंटेन रखना है, यानी कि अपना लेवल या फिर बराबर रखना है या फिर एनिमीज से ज्यादा रखना है, तभी आप ज्यादा वैल्यू निकाल पाओगे। तो ग्रेनिंजा मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमोन है, तो मैं इसके लिए थोड़ा लाइक एम टारगेट ज्यादा रखूंगा। आज की वीडियो का लाइक एम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।